हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। EIL जो है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है, एक नवरत्न PSU कंपनी है और यहाँ पर जो है जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो हैं आपकी 17 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं जूनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी हुआ है जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 की, जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 की 11 वैकेंसी हैं, जिसमें से 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी ST में रिजर्व है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर में 2 वैकेंसी है और EWS के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 टोटल 11 वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 और Grade 1 की आपकी जो है वो 6 वैकेंसी है। इन 6 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी ST, 1 वैकेंसी OBC और 1 वैकेंसी जो है वो EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है वो है 17, जिसमें से जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 की 11 और जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 Grade 1 की 6 वैकेंसी हैं। इन वैकेंसीज के लिए जो पोजीशंस यहाँ निकाली गई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 पाइपिंग में आपकी 10 वैकेंसी हैं, जूनियर ड्राफ्टमैन फायर इक्विपमेंट में 1 वैकेंसी है और ये Grade 3 की वैकेंसी है, टोटल 11 वैकेंसी हैं। Grade 2 में पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग में 1 वैकेंसी है आपकी, ये जूनियर Grade 1 और Grade 2 के लिए है। जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 में पैकेज इक्विपमेंट HVAC में 1 वैकेंसी है, ये दोनों वैकेंसी हैं Grade 1 Grade 2 के लिए। Grade 2 में इलेक्ट्रिकल और Grade 1 में भी इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 और 1 में आपकी 1 वैकेंसी है। जूनियर ड्राफ्टमैन EWS सेफ्टी में आपकी 1 वैकेंसी है Grade 1 और Grade 2 के लिए। इस तरह से ये टोटल वैकेंसी आपकी 6 है। इन वैकेंसीज के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं पाइपिंग के लिए, या फिर आप जो हैं वो फायर इक्विपमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके पास जो है ITI होनी चाहिए। ITI होनी चाहिए दोनों कंडीशन में। मैकेनिकल ड्राफ्टमैनशिप में आपने जो है वो ITI की होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन की जो है वो आपकी ITI होनी चाहिए। जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 पाइपिंग और जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 3 फायर इक्विपमेंट के लिए, इसके साथ ही साथ आपके पास जो है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 और Grade 1 में पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आप पैकेज इक्विपमेंट HVAC के लिए अप्रूव वन के लिए, तब आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास जो है ये डिप्लोमा होना चाहिए। 65% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए। 1 ईयर का आपके पास जो है मिनिमम जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए Grade 1 का, ड्राफ्टमैन Grade 1 का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन चारों एप्लीकेशन के लिए जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 Grade 1 जिसमें से पैकेज इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग और पैकेज इक्विपमेंट HVAC, इनके लिए आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 का एक्सपीरियंस और 5 ईयर का जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 1 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए मैकेनिकल में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने वाले हैं, Grade 1 इलेक्ट्रिकल में या फिर Grade 2 इलेक्ट्रिकल में, तब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 65% मार्क्स का, और इसमें भी एक्सपीरियंस सेम है, मिनिमम 1 ईयर का जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 का और 5 ईयर का जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 1 का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 इंस्ट्रूमेंटेशन और Grade 1 में अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 3 ईयर की ड्यूरेशन का होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ। सेम एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 और 5 ईयर का एक्सपीरियंस जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 1 का आपके पास जो है होना चाहिए। अगर आप जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2 और Grade 1 में अप्लाई करने वाले हैं EWS सेफ्टी के लिए, तब आपके पास जो है डिप्लोमा इन सिविल में होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन का 65% मार्क्स के साथ, और इसमें भी सेम एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 2, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 1 का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर, और कट ऑफ डेट जो है वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त 2024। मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है आपकी 30 ईयर, 30 साल मैक्सिमम आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है 30 ईयर्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज लैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर की, OBC के लिए 3 ईयर की, और PWD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की एज लैक्सेशन जो है आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम जो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है जूनियर ड्राफ्टमैन Grade 1 के लिए 5 ईयर का, Grade 2 के लिए 1 ईयर का, Grade 3 के लिए 2 ईयर का आपके पास जो है वो
मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। पे स्केल रहेगा आपका 24,000 से 90,000 के लिए ग्रेड थ्री का, और ग्रेड वन के लिए 25 से 1 लाख, और ग्रेड वन का 26,000 से लेके 1,15,000 तक जो है वो आपका पे स्केल रहेगा। और CTC जो है वो 7.5 आपको ड्राफ्टमैन ग्रेड थ्री में मिलेगी, 7.81 ग्रेड टू की रहेगी, और 8.26 ग्रेड वन की आपकी जो है वो CTC रहेगी। अप्रोक्सीमेट CTC है ये। ये कंसेशन के बारे में आपको यहाँ रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। SST के लिए 5 ईयर की, OBC के लिए 3 ईयर की, और PWPT कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जिस रिजर्व कैटेगरी में जितनी एज रिलैक्सेशन मिलती है PWPT कैंडिडेट्स को उतनी अलग से आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लेसिंग रहेगी आपकी, जो ये प्लेसिंग है वो आपकी न्यू दिल्ली गुड़गांव रीजनल ऑफिस, चेन्नई वडोदरा कोलकाता ब्रांच में आपकी, मुंबई इंस्पेक्शन ऑफिस कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्सेट्रा में आपकी जो है वो प्लेसिंग प्लेस हो सकती है, पोस्टिंग की प्लेस हो सकती है आपकी। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए इन्होंने लिखा है कि आपका सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको चेक करने के बाद ही आपको इन्फॉर्म करेंगे ईमेल के थ्रू, और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ये स्किल टेस्ट जो है वो दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपने जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, recruitment.eil.co.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है ऑनलाइन मोड से आप अपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25 सितंबर। 25 सितंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आपने जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड से आपने कुछ भी सेंड नहीं करना है। यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, पर आपने जो है वो प्रिंट आउट लेके रखना है एप्लीकेशन फॉर्म का। स्किल टेस्ट के दौरान जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनके पास वो जो है प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।